सिरसा की आवाज के साथ आज मैं पहुंचा हूं डिंग गांव में। यहां एक नशे के खिलाफ बहुत ही युवा लड़कों ने जागरूक होकर यह थाना है कि ना तो हम कोई नशा करेंगे और ना ही हमें डिंग गांव में नशा बेचने देंगे। जो भी इनके एक लड़का इनमें से ऐसा है कि इसने एक 5 दिनों का टाइम दिया है। तो पहले आप चिट्टे का सेवन करता था, वो लड़का बोल रहा है, बोले मैं उनको 5 दिन का टाइम देता हूँ, क्या तो वो नशा बंद कर दे, नहीं तो मैं नशा पकड़वा दूँगा। हम उनसे मिलाएंगे। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा अभी युवा लड़कों को दिखाए। ये युवा है, मैं इनसे आपको मिलाना चाहूँगा, ये नशे के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। ओ भाई है जो मैंने कल देखियो फोन का वार्निंग की आवाज़ है फेसबुक के ऊपर, जो भाई वो आप बोलने लग रहे, बोलियो कि मैं पहले चिट्टे का सेवन मैंने आपने खुद किया है, पर मैं एक आगे ऐसा संदेश देना चाहता हूँ भी मेरे से कोई सीख ले भी, मैं कोई युवा साथी कोई चिट्टे का सेवन नहीं करेगा। मौके का इस भाई ने चिट्टे का सेवन है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं इससे नाम क्या रहता दौलतराम राड़ा जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहूँ? मैं वही संदेश देना चाहूँ भाई, ये चीज़ में कोई फायदा को नहीं, मैं करके देख लियो, मैं मेरे हिसाब में बताऊँ ठीक है, तो इनका रिजल्ट बहुत माड़ा है। और गम में हर नौजवानों आई अपील है भाई, यूँ जितो बची जे बचो, और तेज का बेचा बुची करे बांगी मेरे कने नहीं थे बेचना रहा ने काल की खुली चेतावनी दे रखी है भी। मैं थाने 5 दिन का टाइम देने लग रही हूँ, 5 दिन हम या तो थे बंद कर दियो इन चिटन। मैं भी मीडिया का थ्रू आई बात मैं भाइयान कहना चाहता हूँ भी, देख लियो आगे थारो समाज। मेरे कने फ़ोन भी आ गया, धमकियाँ भी आ गई, कह जे तेरू करवाई जे बंद है तो तू करवा के दिखा दे। मैं भाई मैं तो करूँगा कोशिश ठीक है, गांव है गांव ने सुधारांगा, ये कोशिश ही है सारांगी युवांगी। और आगे तो चलो प्रशासन देखा है या भी और कोई देखा है, जी हाँ पुलिस वाला देखने लग रहे तो वे रुकवा सका, मैं रुकवा कौन सका, मैं तो यहाँ के आगू आगे अगले ताई प्रशासन ताई बात पहुँचा सका। बस इतनी जहाँ प्रशासन ताई बात पूछ जे और बे मारो सहयोग करे तो ठीक है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं के बारे में, तो ये चिट्टे का नशा है, ये चिट्टे का नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मैं कहना चाहूँगा जी मैं चिट्टो तो करी देखे डोगो नहीं, सीधी बात है, मतलब कि स्कूल में डेली आवा रेस मारने भाई, सारा युवाओं यहाँ कहना चाहवा भाई डेली हटाओ रेस मारो भाई प्रैक्टिस करो, जो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आई बात कहना चाहवा जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? सन्नी सारण। तो आप ये चिट्टे की बीमारी है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में कहना यही है जी, हम तो प्रशासनिक दबाव बना सकते हैं, प्रशासन ही इसको बंद करवा सकता है। गांव में कोई भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं बांधना चाहेगा, क्योंकि उनका 100 साल का लेखा जोखा साथ में रहना भाईचारा है प्रेम है। तो एक छोटी सी ये जो बीमारी थी और ये 4 या 5 सालों में 2014 के बाद ये गंभीर बीमारी बन चुकी है। और हमारे गांव में ये जितने जो आज मीटिंग बुलाई गई थी इसके अंदर गांव में एक बहुत ज़्यादा ये चिट्टे का प्रकोप बता रहे हैं डिंग गांव। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गांव में चाहे आप चिट्टा यहाँ 1 क्विंटल इकट्ठा करवा लो, 1 क्विंटल 1 घंटे में इकट्ठा कर देंगे। 1 क्विंटल आटा नहीं होगा, 1 क्विंटल चिट्टा इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल कर देंगे। तो इस जो भी हमने आज ये मीटिंग बुलाई थी, इस मीटिंग के अंदर खेलने वाले लड़के मिलेंगे आपको यहाँ, गांव का कोई भी बड़ा बुजुर्ग या मतलब जाकर फेसबुक किया बातें हैं कोई व्हाट्सअप बातें हैं तो वो करने के लिए तो बहुत है, लेकिन यहाँ ज़मीन पे आके हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं आया है, सीधी सी बात है। तो हमारी मांग है, हम गाँव में ये नहीं कह रहे भी गाँव वाले हमारा आगे साथ दें, हम तो प्रशासनिक टीम या प्रशासनिक जो थाना प्रभारी है चाहे SSP है जिला SSP है, हम तो उन्हीं से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो आए और इस समस्या का हल करें, क्योंकि हमारा डिंग गाँव आसपास के भी 20 या 30 गाँव को प्रभावित कर रहा है, यहीं से चिट्टा निकल रहा है, यहीं से ये जो चिट्टे की खेप है वो दिल्ली से आ रही है और दिल्ली के माध्यम से होते हुए 20-30 गाँव में सप्लाई यहीं से की जा रही है, सारा जो मेन गड्ढा वो डिंग मंडी गाँव बना हुआ है। धन्यवाद। ये चिट्टे की बीमारी है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? घनी गलत चीज है। तो आपके गाँव में कितने के इसके युवा हैं जो कितने नशा करते हैं और कुछ लड़कों ने कितने लड़कों ने छोड़ दिया नशा? छोड़ दियो तो जी के 10-15 ही है, बाकी नशो बहुत करे कि 20-30 नशा मुक्ति में पड़े हैं।
पाँच छः सोरा यार दोस्त अपना बे गुजर भी गया घणो ही फैल रहे जी। मैं तो घणो बंद करने की कोशिश करना रहा अपने चिट्टे के बजू गुजर गया। चिट्टे बजू गुजर गया बिल्कुल जी। तो डंग डंग करके लड़के हैं बाकी आप ये देख लो 20,000 की गांव की आबादी है। 20,000 की गांव की आबादी के अंदर सिर्फ 20 लड़के हमें हम आज स्कूल में आए हैं। शायद 2 से 3 साल बाद हमारा काम पड़ा है। तो 20,000 की आबादी में 20 लड़के सिर्फ हमें को प्रैक्टिस मारते थे कि हमें दुख भी हुआ इस बात का कि हमारे 20,000 की आबादी वाले गांव में सिर्फ 20 लड़के जिनको अपने शरीर का ध्यान है बाकी सब नशे में लिप्त हैं। ये मान लो 90% लोग लिप्त है। इसमें 45 वर्ष के भी आ जाएंगे, 40 वर्ष के भी आ जाएंगे, 30 वर्ष के बूढ़े वडेरे जो भी है मतलब सब इस चिट्टे में लिप्त है जी। भाई ये चिट्टे की माँ बीमारी इसके बारे में यूँ को आप क्या संदेश देना चाहूँगा? भाई संदेश तो क्या देना, मेन बात तो ये है प्यार तो कोई ना माने। महात्मा गांधी पूरी उम्र गाल दी प्यार तो कोई ना माने। पहले ही बहुत बार कोशिश हो चुकी है लेकिन कौन भाई लास्ट में जाके पिंडे चकनी पड़ेगी न्यू तो कोई मानना को नहीं। बाकी भाई सारा इकट्ठा होना पड़ा एक दुख में मना को नहीं एकजुट होना पड़ेगा। हाँ सारा इकट्ठा होना पड़ा न्यू तो फायदा को नहीं मुझे इतना ही कहना भाई। बाकी गाँव में घने बिजनेसमैन हो रहे हैं नाम नूम दिला पेरा को नहीं मैंने बाकी फिर भी आगे ध्यान रखी हुई। तो ये युवाओं का कहना है कि ये जो एक चिट्टे की माँ बीमारी है इसके खिलाफ यहाँ इन्होंने युवा ने एक मीटिंग की थी भी ज़्यादा से ज़्यादा लड़के यहाँ इकट्ठे हों। फिर भी बहुत अच्छे गांव के यहाँ लड़के है युवा है यहाँ रेस मारते हुए और अपनी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। इसलिए मैं और दौड़ते वक्त यहाँ युवा लड़कों को चिट्टा मिला है डिंग गांव में चिट्टा मिला है सरकारी स्कूल के अंदर। तो मैं आपको इस युवा से जानेंगे भैया कहाँ मिला और कैसे मिला। ये अभी हमने जब जिस भाई ने ये मुद्दा उठाया है दौलत राड ने उसी ने क्योंकि उस चोर से कोई गलियां छानी नहीं होती उसको सारा पता है कौन कहाँ बेच रहा है कौन ले रहा है कौन खरीद रहा है कौन दे रहा है कौन पहुंच कर रहा है उसको सब पता है। तो उसी वही हमें एक कमरे के अंदर लेके गया था तो जिसके दौरान हमें ये पन्नियाँ जिसके ऊपर इसको पिया जाता है और ये उसका कोटा है। अगर मतलब बाई चांस आपको कोई होटल वाला या कोई दुकानदार ना दे तो इन्होंने अपना कोटा पूरा रख रखा है। मतलब ये इतना सबूत पर्याप्त मात्रा में काफ़ी है कि इन्होंने सरकारी स्कूल जैसी संस्था पढ़ने जहाँ पर शिक्षा दीक्षा हमें दी जाती है उस जगह को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो इस पर सरपंच साहब भी ध्यान दें हमारे गाँव के और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं फिर से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे गाँव को इस नशे जैसी इस बीमारी से